क्योंकि पूरे भारत में जहां एक स्टार रूबी से शुरू होता है सबसे ज्यादा पिंक टाइगर टीम में आई है। एक बार जोरदार तालियां। कितनी पिन आई होंगी एक थोड़ा आंकड़ा दिखाता हूं मैं। ये देखिए गोल्ड रॉयल्टी अचीवर 50 से ज्यादा हैं, स्टार गोल्ड रॉयल्टी अचीवर भी 50 से ज्यादा हैं। ये अप्रोक्सीमेटली फिगर लिखे हुए हैं। प्लेटिनम रॉयल्टी अचीवर भी 50 से ज्यादा हैं, स्टार प्लेटिनम भी 50 है। इसका मतलब बहुत सारे लोग रॉयल्टी पे गए हैं और टोटल ब्रांड न्यू रॉयल्टी अचीवर 106, ये पुराने रॉयल्टी अचीवर हैं। पर्ल अचीवर 5 बने हैं नए पर्ल, स्टार पर्ल अचीवर 8, अमराल 2 और स्टार अमराल 1। तो इतनी बड़ी अचीवमेंट के लिए जोरदार तालियां सभी हाथों पर करके दो। आज सुनील जी ने यहां पे बहुत सारे साथियों से स्टेज पे लाने के बाद जो हमारे सीनियर रॉयल्टी अचीवर्स थे या सीनियर टेक्निकल अचीवर्स थे उसे पूछा गया कि अगली बार आओगे तो क्या करेंगे, तो हर व्यक्ति ने ये बोला कि अगली बार आएंगे तो मैं पिन चेंज करके आऊंगा। ये सर नो, मैं आपसे एक बात कहता हूं, यदि आपने संकल्प ले लिया और काम करना शुरू किया तो एक पिन नहीं आप 2 पिन चेंज करके आ सकते हो। तो आगे चलते हैं थोड़ा, ये अचीवमेंट है टाइगर टीम की। टाइगर टीम भारत की अचीवमेंट। आर यू रेडी? थोड़ी आवाज निकालनी पड़ेगी। आर यू रेडी? आर यू एक्साइटेड? अब हम शुरुआत कर रहे हैं आगाज 2025 का। देखिए हमने आज से 5 साल पहले जब टाइगर टीम बनाई उस समय हमने एक ड्रीम रखा था, जो हमारे सीनियर साथी जो अभी मास्टरमाइंड ग्रुप में हैं, अमराल, स्टार अमराल, रूबी अचीवर, ये बात मैंने कही थी और वो उस बात पे मैं अटल हूं। मुझे नहीं पता कौन कहां चल रहा है, लेकिन 2025 में भारत में आरसीएम में सबसे ज्यादा स्टार रूबी निकलेंगे वो टाइगर टीम के निकलेंगे, ये बात पक्की है। क्योंकि हमने अभी सिस्टम तैयार कर लिया है, अभी तक हम बिना सिस्टम के काम कर रहे थे, अभी गाड़ी पटरी पे आ गई है तो क्या होने वाला है। आरसीएम सिस्टम से मैं कैसे कामयाब हुआ, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये सामान बेचने का बिजनेस है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि लोगों को जोड़ने का बिजनेस है। गलतफहमी में मत आना, 19 साल हो गए और तजुर्बा बता रहा हूं। इस बिजनेस की गहराई में जाओगे तो सब कुछ, मैं बोल रहा हूं कि इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में यदि नेक नीति और ईमानदारी से पैसा कमाने का खजाना है वो केवल आरसीएम के पास है और किसी के पास नहीं है। तो क्या करना होगा, 5 गुण आपके अंदर चाहिए, क्योंकि आरसीएम के प्रोडक्ट हमारी जरूरत है, हमारी मजबूरी है। कई लोग ऐसे होते हैं कि आरसीएम का सामान खरीदने के बाद अपलाइन को फोन करते हैं, सर मैंने खरीदारी कर ली। अरे भाई खरीदारी करके कौन सा एहसान कर दिया, खरीदारी तो आप कहीं न कहीं से करना ही होता था। ये सर लो, ये तो थैंकफुल होना चाहिए कि आरसीएम कंपनी ने हमें ऐसे नायाब प्रोडक्ट दिए हैं जिनसे हमारी खरीदारी से हमारी जिंदगी बदल रही है, हमारी हेल्थ अच्छी हो रही है। केवल खरीदारी करने से नहीं होगा, ये 5 गुण आप पैदा कीजिए और मुझे पूरा भरोसा है ज्यादातर लोगों में है। यदि नहीं है तो आपके अंदर 5 गुण होने चाहिए तभी आप इस स्टेज पे स्टार रूबी आएंगे। स्टार रूबी एक बहुत बड़ी पिन होती है, बहुत बड़ी इनकम होती है, बहुत बड़ी टीम होती है, ये सब सारे आप जानते हैं। जानना चाहते हैं 5 गुण कौन से होने चाहिए? आर यू एक्साइटेड? एक बार हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजाइए, मैं बताने जा रहा हूं। यस, सबसे पहला गुण
यदि आपसे में स्टार रूबी बनना है तो सबसे पहला गुण आपको ईमानदार होना पड़ेगा। अभी ईमानदारी से क्या मतलब है? कई लोग सोचते हैं कि पैसा दे दिया और पैसा वापस ले लिया उसे ईमानदारी कहते हैं। नो, ईमानदारी ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी से क्या मतलब है? बी ऑनेस्ट टू सेल्फ। या तो आपसे हम करें या ना करें, दिखावा नहीं करें। अरे दोस्तों, व्यक्ति दुनिया से झूठ बोल सकता है, खुद से कभी झूठ नहीं बोल सकता। ये सर नो, आपको ईमानदार बनना पड़ेगा। या तो आपसे समझ में नहीं आया तो अलग बात है, समझ में आने के बाद भी यदि आप बाहर से प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, आरसीएम के नहीं खरीद रहे हो, समझ में आने के बाद भी आरसीएम की मीटिंग में नहीं आ रहे हो, समझ में आने के बाद भी अपलाइन का कहना नहीं मान रहे हो, इसका मतलब यू आर नॉट ऑनेस्ट। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति है जो बेईमान के साथ रहना चाहता है? ये शब्द अच्छा नहीं है, मेरे मुंह से निकल गया। मैं किसी को बेईमान नहीं कहना चाहता, लेकिन ईमानदार चोर भी ये चाहता है उसका बेटा ईमानदार हो। यस और नो? ईमानदारी बरतनी पड़ेगी दोस्त। कोई नहीं देखने आएगा आपके घर में क्या प्रोडक्ट यूज हो रहा है, कोई नहीं देखने आएगा कि आप क्या बहाना बना रहे हो। जब आपके अपलाइन बोलती है भिलवाड़ा चलना है तो आप बहाना बना देते हो। अपने आप से ईमानदार होना पड़ेगा। ईमानदार बन सकते हैं? यदि ईमानदार बन सकते हैं तो देर ही सही, एक दिन स्टेज आपकी होगी और आप स्टार रूबी बन जाएंगे। पहला गुण आपके अंदर पैदा करना पड़ेगा। दूसरा, जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। इस बिजनेस में वर्कर भी आप हैं, लेबर भी आप हैं, सुपरवाइजर भी आप हैं और मालिक भी आप हैं। ये बिजनेस ना डाउनलाइन का है, ना अपलाइन का है, ना कंपनी का है। ये बिजनेस किसका है? खुद का। जब भी आप बिजनेस खोलते हो तो योर परचेज वॉल्यूम, योर बिजनेस आता है। योर, कभी ये नहीं आता कंपनी का बिजनेस, कभी ये नहीं आता डाउनलाइन का बिजनेस, योर बिजनेस। कंप्लीट जिम्मेवारी आपको लेनी है सभी। प्लान दिखाने की, टीम बनाने की, टीम तैयार करने की। जिस दिन व्यक्ति जिम्मेवारी लेना शुरू कर देता है उसी दिन वो सीखना शुरू कर देता है। दुनिया में देखिए, जो लोग आगे बढ़े हैं वो खुद जिम्मेवारी लेते हैं। जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हो? बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं, जब भी उन्हें कोई काम दिया जाता है तो अपनी डाउनलाइन को दे देते हैं। कई ऐसे हैं अपने अपलाइन को दे देते। बिजनेस आपका है, जिम्मेवारी आपकी होनी चाहिए। कई लोग बोलते हैं सर मेरा कोई कहना ही नहीं मानता, क्योंकि आप उनके बीच में कभी गए ही नहीं है। जिस दिन जिम्मेवारी ले ली, आपका बिजनेस तेजी से बढ़ने वाला है। जिम्मेवारी लेंगे जहां से आपकी आईडी शुरू है आपका बिजनेस है। यदि आप शिकायत करते हैं अपलाइन से, इसका मतलब अभी आपने अपना बिजनेस ही नहीं समझा। कई लोग बोलते हैं सर मैं आरसीएम, वो आरसीएम को अपना नहीं समझते, वो अपलाइन का समझते हैं। बात नहीं बनेगी, जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। मेरा बिजनेस, मैं मालिक, इस धारणा से काम कीजिए। तैयार हैं? इस काम में सब कुछ आप ही हैं, सब कुछ आप हैं। तीसरा, सख्त मेहनत। पहला ईमानदारी, दूसरा जिम्मेवारी, तीसरा सख्त मेहनत। दुनिया में जहां पैसा कमाया जाता है वहां मेहनत लगती है। ये रातों रात अमीर बनने का काम नहीं है। 3 से 5 साल सिस्टम के साथ जुड़ना होगा, आप लाख रुपए पे पहुंच जाएंगे।
मुझे आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने 3 से 5 साल इस बिजनेस में मेहनत की हो, सख्त मेहनत, और वो 1 लाख पे नहीं पहुंचा है। जो आगे की लाइन में बैठे हैं ये सारे वही लोग हैं जिन्होंने 3 से 5 साल मेहनत की, उसके बाद इनके लेवल चेंज होते गए। सख्त मेहनत करनी पड़ेगी। सख्त मेहनत क्या होती है? 9 to 5 पेट के लिए काम करो और 5 to 9 अपने ड्रीम के लिए काम करो। आरसीएम सपने पूरे करने का बिजनेस है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं 9 to 5, 5 बजे के बाद अगले 4 घंटे क्या करते हैं उसी से तय होगा कि आप आरसीएम में क्या बनने वाले हैं। आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग छोटी छोटी नौकरी करते हैं और इतनी शिकायतें करते हैं। दोस्तों, जब मैंने ज्वाइन किया तो आप जरा सोच के देखिए, मारुति उद्योग कितनी बड़ी कंपनी है और उसका मैनेजर होना कितनी जिम्मेवारी होती होगी, कितनी जिम्मेवारी। जाने का टाइम होता, आने का कोई टाइम नहीं है। रात को 11 बजे वापिस आने के बाद मैं आरसीएम करता था। सैटरडे संडे फ्राइडे ये वीक रहता था। यदि ईमानदारी से देखो तो पहले 5 साल कोई सैटरडे संडे ऐसा नहीं था कि मैं किसी पब्लिक फंक्शन में या सोशल इवेंट में रहा हूं। केवल एंड केवल आरसीएम के ही काम के लिए मैं बाहर निकला। जिस दिन आपकी प्रायोरिटी ये हो गई, जिस दिन आपने इतनी मेहनत करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, यदि आप मेहनत नहीं करेंगे आपकी टीम भी मेहनत नहीं करेगी। आप फील्ड में रहेंगे, टीम हमेशा फील्ड में दिखाई देगी। सख्त मेहनत करने के लिए तैयार हैं? ऐसा तो है नहीं कि इसके अंदर क्या करना है। सख्त मेहनत में कोई खड्डे तो खुदाई करनी नहीं, जो काम करने हैं प्लान दिखाना है। प्लान दिखाना भी यहां पे काम है, मीटिंग में जाना भी यहां पे काम है, किताबें पढ़ना भी यहां पे काम है। कई लोग बोलते हैं टाइम ही नहीं मिलता। अरे, घर में आने के बाद बैठ के किताब तो पढ़ सकते हो, पढ़ सकते हैं नहीं? घर में आने में बैठने के घर में आने के बाद वीडियो तो देख सकते हो, अपलाइन से फोन तो कर सकते हो, डाउनलाइन से बात तो कर सकते हो। जो लोग सख्त मेहनत नहीं करते वो पीछे रह जाते हैं, और जो लोग सख्त मेहनत करते हैं वो आरसीएम में स्टार रूबी बन जाते हैं। तो सख्त मेहनत बहुत जरूरी है। आरसीएम में जितने भी अचीवर हैं, कोर लीडर हैं, आप उनकी हिस्ट्री को उठा के देखिए। सुरेंद्र वत्स जी बोलते हैं कि पहले 3 साल 28-28 दिन घर से बाहर रहे थे। भाई साहब, मुकेश जी कोठारी की कहानी सुन लीजिए, किसी भी कोर लीडर को देख लीजिए। जब तक आपका बिजनेस सेट नहीं होता है आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने के लिए तैयार हैं? सख्त मेहनत। स्टार्विंग फॉर सक्सेस विदाउट हार्ड वर्क इज लाइक ट्राइंग टू हार्वेस्ट व्हेन यू आर हैवंट प्लांटेड। इसका मतलब है कि यदि आप सक्सेस चाहते हैं, बिना फसल को बीज डाले, पहले मेहनत करना, फसल के बीज डालना है, तब आप उसके फल को अचीव करेंगे, कटाई करेंगे। 3 से 5 साल जी जान लगाना पड़ेगा। दोस्तों, जब हमने ज्वाइन किया उस समय इतनी फैसिलिटीज नहीं थी। आज तो मैं बोल रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति यदि पहले दिन से यदि काम करना शुरू करे, जैसे न्यूट्रीचार्ज में अभी बताया गया, पहले दिन से आप इनकम ले सकते हो। ज्वाइन होते ही आपकी पहले दिन से इनकम शुरू हो सकती है। यदि आपने न्यूट्रीचार्ज वुमन एक यदि किसी को एक पैकेट दे दिया तो पहले दिन से 100 रुपया पॉकेट में आ सकता है आपके। करेंगे काम सख्त मेहनत, अटूट विश्वास। आज से बड़ा अटूट विश्वास करना पड़ेगा। आज वो सवाल नहीं है जो आज से 19 साल पहले हमारे सामने थे। जहां भी जाते थे प्लान दिखाने, लोग बोलते थे कंपनी भाग गई। तो ये सवाल ही खत्म हो गया। आज आप किसी को भी अभी प्लान दिखाते हो गए आरसीएम की, कोई ये सवाल कर ही नहीं सकता। जब आप बोलते हो कि 24 साल से कंपनी खड़ी है, ये सवाल ही खत्म हो जाता है। कंपनी भाग गई तो ये आता है सवाल आपके पास?
लेकिन वो दिन हमें याद है। सबसे बड़ा सवाल ये होता था क्योंकि उस समय कंपनियां आती थी और भागती थी, रातों रात भाग जाती थी। लेकिन जब आरसीएम की मार्केटिंग प्लान को स्टडी किया तो पता चला कंपनियां वही भागती हैं जो मनी रोटेशन का काम करती है, जो फाइनेंस का काम करती है, जो 10,000 का 50,000 का वादा करती है देने का। ये प्योर बिजनेस है। टीसी छावड़ा जी ने एक बार जोरदार ताली, टीसी छावड़ा जी का नाम आया जोरदार ताली दिल से। जब ये सवाल हमारे दिमाग में आता था और जब हम एकेडमी में आते थे, ट्रेनिंग में आते थे, तो टीसी छावड़ा जी ने एक बात कही कि एक शैंपू पाउच बनाने की फैक्ट्री लगाने के लिए 1 करोड़ की मशीन लगानी पड़ती है। यदि कंपनी भाग गई तो आपका नुकसान है, 1 रुपए का शैंपू पाउच ले लिया तो आपका नुकसान है या 1 करोड़ की कंपनी का? कंपनी का। बस बात समझ में आ गई थी हमारे। अब तो टीसी जी ये बोलते हैं कि आप गारंटी लो, आप भाग गए तो। और मैं बात ये गारंटी से कहता हूं, 2025 के बाद इस बिजनेस में एंट्री आसानी से मिलने वाली नहीं है, क्योंकि अब ये बिजनेस नए दौर में जाने वाला है। तो अटूट विश्वास कर सकते हो, सबसे पहले कंपनी पे, प्रोडक्ट पे, सिस्टम पर, अपलाइन पर, और इन सबसे जरूरी है अपने आप पर। हमने आरसीएम का वो दौर देखा है, ये जो मेरे भाई साथी जो लीडर्स आगे की लाइन पे बैठे हैं, हमने वो दौर में देखा है जब कंपनी के साथ चैलेंज आया, जब हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग की सारी कंपनियां हिल रही थी, हमारी कंपनी के साथ भी चैलेंज आया, हमारे पास भी ऑफर आए 8-9 महीने जब कंपनी बंद हुई, लेकिन हमने अपने घर की दीवार पे लिख दिया था, जब मैं इस बिजनेस में शुरू हुआ और फुल टाइम में हुआ तो मैंने अपने घर के ड्राइंग रूम में लिखा हुआ था रेड पेंट से, लोगों को लगता था खून से लिखा है, और वो खून का इतना ही मजबूत लिखा था कि जिंदगी की आखिरी सांस तक केवल आरसीएम ही करूंगा, ये लिखा हुआ था। दूसरी कंपनियों वाले लोग कभी कभी आते थे वहां पे 8-9 महीने के पीरियड में कि भाई साहब एक बहुत बढ़िया कंपनी आई है, बहुत बड़े लीडर है, मैं आपको प्लान दिखाता हूं। मैं दीवार की तरफ इशारा करता था, बस उठ के वो चल देते थे। आप में इतना विश्वास कर सकते हैं। सुरेंद्र बस जी बोलते हैं कि आरसीएम में स्टार रूबी वही बनता है जो अंगद की तरह आरसीएम में पैर जमा लेता है। अंगद वाली कहानी सुनी है आपने? रामायण में एक करेक्टर आता है कि जब लंका में सीता माता को लेके चले गए रावण, तो सुलह करने के लिए बहुत सारे लोगों को भेजा गया, तो लास्ट में एक मैसेंजर भेजा गया अंगद, और जैसे अंगद वहां पे पहुंचे और रावण को बोला कि हे रावण, कल लड़ाई शुरू हो जाएगी, श्री राम ने मुझे आपके पास एक संदेश वाहक के रूप में भेजा है कि अब भी आप राम की शरण में चले जाइए। तो रावण गुस्से हो गए और इतने गुस्से हो गए कि उसने ऑर्डर दिया वहां जितने भी लोग थे कि इस बानर को पकड़ लो, क्योंकि अंगद बानर का ही रूप थे। ये सुन लो, बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, अंगद ने चैलेंज कर दिया कि पकड़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपका गुलाम बन जाऊंगा, ये मेरा पैर है, इसको कोई हिला के दिखा दे। और आपने वहां पे देखा होगा, उस कथा को जानते हो तो, हर व्यक्ति, हर योद्धा आगे हिला रहा है लेकिन वो हिल नहीं पाया। आखिर रावण अपनी गद्दी से उठ के और पैर हिलाने के लिए आया तो अंगद ने बोला कि मेरे पैरों में मत पड़ो, भगवान राम के पैरों में पड़ो, इतनी ताकत है। जिस दिन आपको आरसीएम पे इतना विश्वास हो गया, दुनिया की कोई ताकत आपको स्टार रूबी बनने से रोक नहीं सकती। तैयार हैं? अटूट विश्वास है और अंगद वाला पैर, यस, लगातार यस।
आपको लगातार प्रयास करना पड़ेगा। बिजनेस है अपडाउन होगा, लाइफ है चैलेंज आएंगे, कोरोना भी आया था फिर भी हम जिंदा है ना, है ना जिंदा। बिजनेस भी अपडाउन होगा लेकिन आपके लगातार प्रयास, कंसिस्टेंसी इज की टू सक्सेस इन एनी फील्ड। यदि कोई बड़ा एथलीट बना है, यदि कोई बड़ा सिंगर बना है, यदि कोई बड़ा पॉलिटिशियन बना है और आज सिम का डायमंड बना है तो उसने उस काम को कंसिस्टेंसी लगातार प्रयास किया। लगातार प्रयास कर सकते हैं, लगातार सामान खरीदना पड़ेगा, लगातार डायमंड कलेक्ट करना पड़ेगा, लगातार मीटिंग में आना पड़ेगा, लगातार अपलाइन की बात मारनी पड़ेगी, लगातार प्लान दिखाना पड़ेगा और लगातार भीड़ भाड़ आना पड़ेगा, तब आप स्टार रूबी बनेंगे।